तो अभी ये कौन सा तेल बनने जा रहा है? अभी हम लोग सरसों का तेल तैयार करने जा रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये प्रीमियम क्वालिटी का उच्च स्तरीय सरसों की बीज है जिनसे हम तेल निकालेंगे। ये अभी हम 15 केजी डाल रहे हैं। 15 केजी में कितना ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा? ये माना जाता है कि 15 किलो ऑयल में 1/4 तेल निकलता है, लगभग 3 से 3.5 किलो तक हम इसमें से तेल निकालेंगे। ये देखिए क्रशिंग शुरू हो गया है। तो मार्केट में जो गोल्ड प्रेस ऑयल होता है, जैसे कि ये अभी मस्टर्ड का ऑयल जो एक्सट्रैक्ट हुआ, मार्केट में जो मिलता है बेसिकली जो अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं, और ये जो गोल्ड प्रेस ऑयल, इसमें क्या बेनिफिट है अगर एक बार आप बताइए? सरसों का जो गोल्ड प्रेस ऑयल है, किसी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी तरीके का, चूँकि ये हम गोल्ड प्रेस ऑयल इसलिए भी कहते हैं, लकड़ी के घाने में ये तेल तैयार होता है, तो इसका टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। अच्छा जी, है ना। तो जो इस सरसों के बीज की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं होती। तो इसको जो है खाने में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बाकी हमने सुना है इसको मॉलिस वगैरह पे बच्चों को, बेबी को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे इसके फायदे हैं। आप इस सरसों से बने हुए जो तेल का प्रयोग खाने में कर सकते हैं, बच्चों की मसाज के लिए कर सकते हैं, बुजुर्ग जो हैं उनकी मसाज के लिए, बालों में जिनको हेयर फॉल हो रहा है उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे फायदे हैं। अचार बनाने में महिलाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं, सालों साल इसके द्वारा बनाया गया अचार खराब नहीं होता। तो अभी इसमें ये पानी मिक्स हो रहा है? हाँ, इसमें सिर्फ हम पानी डालते हैं, कोई भी एडिट उसमें कुछ भी केमिकल नहीं डाला जाता, सिर्फ पानी ही डाला जाता है। किसी भी ऑयल सीड में से अगर हमें तेल निकालना है तो सिर्फ पानी का ही प्रयोग हम करते हैं। पानी का प्रयोग इसलिए होता है थोड़ा मॉइस्चर करने के लिए, मॉइस्चर करने के लिए, ताकि अच्छा सा इसका तेल निकल पाए। ये जो लकड़ी इसमें है, ये वैसे लकड़ी कौन सी है? ये लकड़ी बबूल की लकड़ी है, बबूल की ही लाठ है ये, और जिसमें ये तेल निकालेगा, ये आप देख सकते हैं ये भी बबूल का ही है, नीचे का बर्तन भी बबूल की लकड़ी का ही बना हुआ है। वैसे कितना समय लगेगा इसको एक्सट्रैक्ट करने में? ये मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में ऑयल निकाल देती है मशीन। 1 से 1.5 घंटे में आप इसमें अंदर बर्तन में देख सकते हैं तेल बन के रेडी हो चुका है, और मुझे बात करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही क्योंकि ये इतना झरपीला ओरिजिनल ऑयल होने के कारण, प्योरिटी बहुत इसका, इसकी प्योरिटी इतनी अच्छी है, सरसों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम आपस में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, लगातार उसके झरप के कारण झरपीला तेल है ये। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और इस ऑयल की देखिए गाढ़ापन, ये देखिए आप, ये देख पा रहे होंगे ये इतना गाढ़ा है, और सरसों तेल की क्वालिटी, उसके गाढ़ेपन, उसके कलर को देख के आप पता कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम तेल निकालने का काम करने जा रहे हैं। अब हम तेल कच्ची रानी का तेल ये रेडी हो गया है जी। ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया इस सरसों तेल की इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही है, बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं है, और ये तेल हमें रोने में मजबूर कर रहा है क्योंकि इतना झरपीला है। इसकी प्रीमियम क्वालिटी होने के कारण, विशुद्ध तेल होने के कारण ये पैकिंग के लिए जाएगा जी। बस अब ये पैकिंग के लिए जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम तेल को बनाते हैं। ये तिरुपति सरसों तेल तैयार हो गया आपके सामने। आप जिस किसी को भी ये सरसों, ओरिजिनल सरसों का तेल चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, तेल के विषय में कोई जानकारी चाहिए तो वो प्राप्त कर सकते हैं। हम पूरे भारतवर्ष में इस तेल की सप्लाई देते हैं।